हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं में। तो जो हमारा पहला पाठ था संविधान क्यों और कैसे, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आप पढ़ चुके हो और आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी पूरा बार बार लेसन आप पढ़ते रहना है। अभी आपके पास समय भी है, आप हर लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िए, और उसमें से क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने से ही आपको मालूम होंगे। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि तो उसी से ही पूरे हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रही है। संविधान तालमेल बढ़ाता है, तालमेल समझते हो ना, समन्वय बढ़ाता है आपस में, एक दूसरे की किस प्रकार की आवश्यकताएं होंगी। तो इस प्रकार संविधान से ही हमें नियम और कानून के बारे में मालूम होते हैं, क्योंकि तो देश में विभिन्नताएं बहुत होती हैं। जैसे भारत में देखिए आप, विभिन्न धर्म, जाति और व्यवसाय और सभी की क्षमता अलग अलग होती है, बहुत सी विविधता पाई जाती है। हम देखते हैं कि संविधान से आपस में तालमेल बनता है, मतलब कोई एक नियम ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लागू है तो दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा कर सकता है। तो इस प्रकार विभिन्नताओं का हमें आपस में समन्वय बनाए रखना है, तो हमें एक संविधान की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय मतलब देश में, समाज में, घर में निर्णय कौन लेगा, उसका अधिकार किसके पास होगा। तो पहले जब राजा लोग राज करते थे तो राजा ही सारे निर्णय लेता था। साम्यवादी संविधान जहां रहा वहां शक्ति एक पार्टी के हाथ में रहती थी। लेकिन जब प्रजातंत्रात्मक लोकतंत्र प्रणाली जब से चालू हुई है, तो इसमें जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो ही निर्णय ले सकते हैं। वो तो भारत में जैसे संसद है, आपने देखा है, उसे संसद नियम बनाती है और उसे लागू करने की संस्था को हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और यदि कुछ उसमें गलत है, न्याय करना है, तो वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार संस्थाओं, केंद्र, राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो निर्णय कौन लेगा, संसद लेगी। संसद को ये अधिकार किसने प्रदान किया, संविधान ने, किसने, तो हमें इसलिए संविधान की क्या है, आवश्यकता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यदि सरकार कुछ उसकी एक निश्चित सीमा है, यदि सरकार मतलब यदि उनका उल्लंघन कर रही है या कोई गलत कर रही है, तो हम संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों को भी सीमित कर सकते हैं, उस पर हम रोक लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता, मतलब कभी कोई सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो संविधान के द्वारा आपातकालीन स्थिति को घोषित करते हुए हम उन अधिकारों पर, सरकार की शक्तियों पर रोक लगा सकते हैं। ये है हमें आवश्यकता का ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है समाज की आका, समाज के कुछ अपना उद्देश्य होते हैं, कुछ उनकी इच्छाएं होती हैं कि हमारा जो समाज है वो न्यायपूर्ण समाज रहे और हमें सरकार से पूरा सहयोग मिलता रहे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीजें वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ की जनता को मिले, तो इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कौन है, संविधान। संविधान ही वह लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। फिर है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। एक राष्ट्र की एक विशेष पहचान होती है संविधान। आपको मालूम है भारत देश का संविधान बहुत विस्तृत है और पूरा लिखित है, जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हैं। संविधान प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट बुनियादी पहचान देती है, और जैसे भारतीय संविधान में पूरे भारत के लिए एक समान नागरिकता है। हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम मध्य प्रदेश के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। तो
तो ये पहला प्रश्न था आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें संविधान की आवश्यकताएं का क्यों है या संविधान का क्या महत्व है। अब इस पाठ से कोई दूसरा प्रश्न आ सकता है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो आपको प्रश्न भी बता रहे हैं और आपको फिर से पुनः पहले भी समझा चुके हैं और इसका उत्तर फिर से आपको बतला रहे हैं। आप बुक से और अच्छा बनाकर भी लिख सकते हो, विभिन्न बुकों से इस प्रकार आप इसका पढ़कर एनसीईआरटी से। तो ये मुख्य स्रोत हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी की तो हम लोग प्रयास कर ही रहे थे, तो 1935 में एक भारतीय शासन अधिनियम बना, उसमें लगभग 200 धाराओं का प्रयोग किया गया, कुछ नियम बनाए गए। जब वास्तव में हमारा सही में संविधान बना तो हमने उस शासन अधिनियम से ये कुछ धाराओं का संविधान में लिया, तो हमने नकल की। नकल मतलब ये भी हमारे द्वारा ही बना था 1935 में, और जब बना और 1947 से लागू हुआ उस समय हमने ये ली। तो स्रोत मतलब हमारे संविधान में कौन सी बातें कहाँ कहाँ से ली गई। फिर है ब्रिटिश संविधान से भी हमने लिया, हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों का राज्य था, उनकी भी कुछ शासन व्यवस्थाएं थी जो अच्छी लगी, वो हमारे संविधान में निहित की गई। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली है हमारी अभी वर्तमान में, उसकी जो हमने ये कहाँ से लिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश संविधान से हमने ग्रहण किया। कुछ चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से भी ली, जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमने अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से ही ली, पूरी नहीं मतलब उसके बारे में थोड़ा संशोधन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरा अवलोकन की अवधारणा, ये 5-6 पॉइंट हमने जो है वो अमेरिका के संविधान से ली। उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए, तो हमें ये याद करना है, इसको आप मन से नहीं लिख सकते हैं कि गलत लिख दिया। तो हमने अपने 1935 का जो शासन अधिनियम था भारतीय उससे लिया, ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय प्रणाली की नकल किया लिया, और अमेरिका संविधान से ये 4-5 पॉइंट हमने लिए। फिर है आयरलैंड का संविधान, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में विशिष्ट लोगों के मनोनयन, आपको मालूम है ना राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, तो ये 3 पॉइंट हमने किससे लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसमें देश के विधायक रहते हैं विभिन्न राज्यों के। फिर है पूर्व सोवियत संघ का संविधान से हमने क्या लिया, 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, हमारे एक हमने संशोधन किया 42वां, ये नंबर है, जब संशोधन करते हैं तो नंबर दे देते हैं, तो जो हमारा 42 नंबर पर संशोधन हुआ उसमें हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अपने संविधान में, ये किस देश से लिया, पूर्व सोवियत संघ का संविधान। फिर है दक्षिणी अफ्रीकी संविधान, इसमें हमने भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली पर, मतलब कि हम अपने संविधान को संशोधित कर सकते हैं, ये पॉइंट दक्षिणी अफ्रीका संविधान से लिया। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, देश की संघात्मक व्यवस्था और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो उनके स्थान के पर संघ में निहित की गई। अपने यहाँ 3 देश की शक्तियों को 3 भागों में बांटा, एक केंद्र की सूची में शक्तियां शामिल कर दी, एक राज्य की सूची में कर दी, अब जो बची हुई थी उनको हमने संघ या केंद्र में क्या कर दिया, निहित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो प्रस्तावना में निहित भावनाएं,
समवर्ती सूची, संघ एवं उसकी इकाई के मध्य होने वाले विवादों से निपटने के लिए भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया संविधान से कुछ बातें ली गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो हमारे संविधान के स्रोत थे ये देश थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनका उत्तर बहुत अच्छे से याद करके लिखिए। धन्यवाद।